Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is Redefining the Geography of Education through Digital Resource for Conceptual Learning. My name is Asim Amin Khan, and today we are going to discuss Gohar Skill Up Mathematics Series Grade 3, and the unit is 5. The title of Unit 5 is Measurements. Measurements mein jo aaj ka hamara topic hai, wo hai temperature. Temperature ko hum kaise hum usko read out kar sakte hain? Dekhen. एंड टेम्परेचर यूज टू मेजर टेम्परेचर के अंदर थर्मामीटर को हम यूज कर देते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए. टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड इन डिग्री फॉरेनहाइट और इन डिग्री सेल्सियस कहता है. हम इसको दो स्केल्स में काउंट कर सकते हैं, फॉरेनहाइट में भी कर सकते हैं और डिग्री सेल्सियस में भी काउंट कर सकते हैं. ईच लाइन ऑन द फॉरेनहाइट स्केल स्टैंड फॉर टू फॉरेनहाइट कहता है. ये जो एक फॉरेनहाइट का स्केल दिया हुआ है, हर जो लाइन है वो टू फॉरेनहाइट को रिप्रेजेंट कर रही है. रूम टेम्परेचर इन डिग्री फॉरन हाइट इज अबाउट 68 डिग्री कहता है कि देखें अगर जो रूम टेम्परेचर है वो यहाँ फॉरन हाइट में दे रहा है वो कितने 68 डिग्री शो कर रहा है. ईच लाइन ऑन द सेल्सियस स्केल स्टैंड 1 डिग्री सेल्सियस वो कहता है जो सेल्सियस वाला है उसका जो एक जो लाइन है वो कितना शो कर रही है 1 डिग्री सेल्सियस का कर रही है. रूम टेम्परेचर इन द डिग्री सेल्सियस इज अबाउट 20 इधर कहता है. इधर जो अगर हम इसमें देखें तो हमारा रूम का जो टेम्परेचर है वो कितना शो कर रहा है 20 डिग्री सेल्सियस. यूज अ माइनस साइन टू राइट टेम्परेचर बिलो जीरो कहता है अगर टेम्परेचर जीरो से नीचे चला जाए तो हम माइनस का साइन रिप्रेजेंट करेंगे. जिस तरह उसने लिखा राइट माइनस 5 डिग्री सेंटीग्रेड. माइनस 5 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स हमारा ये यहाँ करके कहीं मौजूद होगा. ठीक है, यहाँ करके हमारा माइनस 5 डिग्री मौजूद होगा. मगर 5 डिग्री फॉरेनहाइट बिलो जीरो और माइनस 5 डिग्री फॉरेनहाइट कहते हैं इसको हम क्या कर सकते हैं, हम इसको पढ़ सकते हैं 5 डिग्री फॉरेनहाइट बिलो जीरो के उसे क्या है कि फॉरन हाइट से ये 5 नीचे है और जिस तरीके से जहाँ मैंने डिग्री सेल्सियस का शो किया है और माइनस 5 डिग्री फॉरन हाइट इसको माइनस 5 डिग्री फॉरन हाइट भी कह सकते हैं. ये मैंने आपको किसके हिसाब से बताया 20 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से इसमें बताया गया है. और कहता है अगर इसको पढ़ना हो तो इसको कैसे पढ़ सकते हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो उसको 10 डिग्री बिलो जीरो कर दिया और माइनस 10 डिग्री सेल्सियस या इसको माइनस 10 डिग्री सेल्सियस भी रीड आउट कर सकते हैं. अगर हमने माइनस 5 लिखना है तो हमारा माइनस 5 फॉरेनहाइट कहाँ आ रहा होगा, ये देखें 10 से नीचे ये 0 है, 0 से इधर जाके ये आ जाएगा, यहाँ कहीं मिड में 5 होगा तो ये यहाँ रिप्रेजेंट करेगा फॉरेनहाइट में और इधर हमें रिप्रेजेंट करेगा इस तरह. एक्सरसाइज 5.4 में मूव करते हैं. वो कह रहे हैं चूज द बेस्ट एस्टिमेट कहते हैं इनका जो आपको मैंने दिए हुए इनके जो दो ऑप्शन दिए हुए बेस्ट एस्टिमेट चूज करें. वो कहता है हॉट समरी डे तो क्या हॉट समरी डे जो होगा उसमें देखें वो 90 डिग्री सेल्सियस में होगा या 90 फॉरेनहाइट में हो जाएगा. तो 90 डिग्री सेल्सियस तो इतना एक्सट्रीमली चल जाएगा वो तो काबिल बर्दाश्त नहीं होगा. तो इसके लिए जो दूसरा यूनिट यूज़ करें हम वो 90 फॉरेनहाइट यूज़ करें. आइस स्केटिंग वेदर में देखें आइस किस में जान रही वो जीरो से बिलो जाकर जमती है तो ये किस में हो जाएगा माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड. क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है राइट ईच टेम्परेचर कहता है सबका टेम्परेचर आप लिख के दें. अभी देखें इसमें हमने फॉरेनहाइट में मांगा हुआ है, किसी में इसने हमें डिग्री सेल्सियस में मांगा हुआ है. तो देखें ये फॉरेनहाइट में जो टेम्परेचर है हमने पढ़ा था कि ये जो एक बार था वो 2 को रिप्रेजेंट कर रही होती है. तो ये देखिए 50 52 54 56 तो इसका क्या आ गया 56 फॉरेनहाइट. सेल्सियस में ये देखें ये माइनस 5 है, ये माइनस 4, ये माइनस 3, ये माइनस 2, ये माइनस 1 तो ये क्या आ जाएगा माइनस 1 डिग्री सेल्सियस. इसी तरीके से अगला क्या होगा 65 66 67 डिग्री सेल्सियस और ये जो फॉरेनहाइट में ये कितना आ जाएगा 10 है 12 14 कितना आ जाएगा माइनस 14 फॉरेनहाइट. क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं. वो कह रहा है कंपेयर इसको कंपेयर करें राइट ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन के साइन के साथ इनको आपस में आपने क्या करना है कंपेयर करना है. तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं 30 डिग्री सेल्सियस है और एक तरफ 120 डिग्री सेल्सियस है तो 120 इसमें ग्रेटर होगा. इन दोनों में 212 बड़ा होगा, 50 और 10 में 50 बड़ा होगा. यूनिट सेम होना लाजमी है. 146 में से 140 ग्रेटर होगा. माइनस है माइनस 20 असल में प्रॉपर्टी होती है कि कोई आपका एलिमेंट है वो जितना माइनस में बड़ा होता जाएगा वो असल में उतना ही छोटा होता जाएगा. इट मीन्स इधर माइनस 10 और माइनस 20 में बड़ा कौन आएगा माइनस 10. क्यों? क्योंकि हम माइनस में जितना नंबर बड़ा करते जाते हैं वो असल में उतना ही छोटा होता जाता है. और 100 और 50 में कौन बड़ा होगा 100 डिग्री सेल्सियस. जी सर, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी. गौर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.